तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे। हम लोग खेलने वाले हैं अपने पोसीटा के साथ, यानी कि जो हमारा टेबल पेट है जिसके साथ हम आजकल रहते हैं। हमारे पास कुछ और जगह है नहीं, हम लोग छोटे से घर में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ खाने पीने नहीं। हम लोग टेबल को हंट करते, तो हम एक विलेजर ने एक मिशन दिया है कि हम लोग जाके पड़ा है, पर आप लोग को मज़ा आएगा इस विलेज के छोटे से पहले एपिसोड। तो चलिए हम लोग आज जाने वाले हैं अपने पहला ट्रैवल हंट करने। तो हम लोग जाने वाले हैं अपने पोजिटा के साथ एक नए मिशन पे। कुछ ही देर में जब रात होगी तो हम लोग निकलेंगे, क्योंकि उसी टाइम पर ट्रैवल हम लोग मार सकते हैं। वो ये है कहीं आस पास हम लोग इस तरह की हाथ में ले सकते हैं, इससे थोड़ा कर दे सकते हैं। आप लोग को टेन जी का सपना तो पता ही होगा, उसका ड्रीम क्या है। ये मेरा हम लोग की रात, तो अब हम लोग निकलने वाले थे अपने सफ़र के लिए। मुझे जैसे कि विलेजर ने बताया कि जो है वहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज हैं यहीं कहीं आसपास पहाड़ी के ऊपर, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा और उन सारे जॉम्बीज को ज़्यादा नहीं ढूंढना। गजब बेइज्जती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हम लोग के साथ है, चेनसॉ की तरह यूज करेंगे क्योंकि एक चेनसॉ डीमन है, तो ये मदद करेगा। और फिर ये पहले तू दे। I always love going on adventure. I give you my heart. In exchange, I want you to do a journey. ये क्या था मेरा दोस्त पोसीटा था, मुझे याद आया उसने अपना मुझे अपना दिल दे दिया था और मैं पता नहीं कुछ डीमन वगैरह बन गया था। तो यानी कि अब मैं डीमन हूँ आप, और इन मैडम जी ने मुझे बचा दिया। मैं बेहोश हो गया था इनको बचाने के चक्कर में, मैं खुद ही बात तो सही है लास्ट में बेहोश हो गया। और ये मैडम जी मेरे हाउस तक पता नहीं कैसे गए, अब यानी मेरे पोसीटा मर गया। कुछ देख ले हम लोग अपने पोसीटा दोस्त के लिए मौन व्रत रखते हैं। हमने उसको खो दिया लेकिन वो हमारे दिल में है। सपने यस, आप सबको पता है मेरे सपने मस्त प्लान है। बस एक घंटा किसने हो गया। यस मिस, तो चलिए अब हम लोग अपने काम पे लगते हैं। बस खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हम लोग पहले ये ले लेते हैं हमेशा के लिए। हम लोग पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था हमारा पोसीटा जो कि अब मर गया है। और अब ये मैडम जी आ गई जो कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मतलब मुझसे प्यार व्यक्त तो नहीं हो गया क्यों मैडम जी। अरे अंदर से निकल के मैडम जी थोड़ा शर्म होती है। खाली बैठने का फायदा। अरे जाता पोछा देख लियो। सब बढ़िया सवाल।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बढ़िया बदल गया लेकिन इन लोग के हरकत बता रहे नहीं मैडम जी। इतनी खुशी, कमरा खोलो, इतनी खुशी मुझे मैडम जी, ये सब क्या करने लगी? फैमिली चैनल यहाँ पे गाय के लिए पात बनाएंगे, यहाँ से कितने जाएंगे? ये ओ एक जॉम्बी कॉल, वो जॉम्बी कॉल है कि जिम्मा? ओहो जो मैं ठीक होता हूँ मुझे मतलब, तो अब हम लोग बना पाएंगे फ्लिंट का है। गजब बेइज्जती है मैडम जी, कितनी बार गया है ऐसे मत करा करिए, डर जाता हूँ। देखते हैं वो जॉम्बी का देखिए, ये जॉम्बी का जुमा। आई आई मैडम जी, इसको बचाओ मैडम जी, मैडम जी कुछ नहीं करना, मेरी मैडम जी को मत छूना। ये तो अब हम लोग बच गए एक हाफ टीम, यस कूदेंगे हम लोग यहाँ से। तो अभी फिलहाल हम लोग अपने एक नए एडवेंचर पे, अगले पार्ट का इंतजार करिए। हम लोग ढूंढने वाले हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी का मेन विलन। चलिए तब तक के लिए मेरे अगले पार्ट का इंतजार करिएगा, मैं जल्दी ही आऊँगा ज़ॉम्बीज के मेन विलन को लेके। तब तक मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं अभी एक वीडियो खत्म नहीं हुई थी ये, तो असली करते हैं ये देखिए ना चाहे सोला देखा अच्छा हो गए। अरे अरे बस कर यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया टूट गया मैं तो। अरे जी क्या कहना है आपका इनके बारे में, कुछ सूद विचार? खत्म हो गया यार मैं तो। इस बार मैं सही में बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरा नाम मत भूलना, डार्क नाइट आउट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा। मैं हूँ आपका डार्क नाइट दोस्त और आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मुझे